Assalamualaikum, you're watching Discover Pakistan. This is your host Maisam Abbas और आज आप जरा मुख्तलिफ रंग में हमें देख रहे होंगे क्योंकि नॉर्मली तो हमारा मिशन ये होता है कि हम आपको डिफरेंट ना सिर्फ जगह दिखाते हैं इवेंट्स दिखाते हैं. आज का दिन कुछ हमारे नाम है. आज आप उन लोगों को क्रिकेट मैच खेलता देखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं या फिर बिहाइंड द स्क्रीन नजर आते हैं. सो आज टीम डिस्कवर पाकिस्तान एक खास मिशन पर रवाना हो रही है बहुत ही जबरदस्त मैच खेलने के लिए. सारे एक्साइटेड हैं, तैयारियां आप देख रहे होंगे. जिनसे बात करते हैं, कप्तान से बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है और क्या करना है, कैसे मैच जीतना है. अस्सलाम वालेकुम जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अरेज, क्या प्लानिंग है आज, कहाँ जा रहे हैं हम और टीम का मोराल कैसा? हम शानबाग की फैकल्टी की टीम के साथ खेलने जा रहे हैं और मोराल बहुत ज़्यादा हाई है. जिस तरह आप देखने के बॉयज़ खड़े हुए एक्साइटेड हैं और उसी एक्साइटमेंट को हम कैरी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का मैच भी जीत के आएंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल, तैयारी जोरों पे है और कोशिश करेंगे कि अच्छी बॉलिंग कराएँ, अच्छी बैटिंग करें और सारी टीम को साथ लेके चलेंगे. फील्डिंग हो जाएगी. तो आपने सुनी और तमाम ही खिलाड़ी जो है मोटिवेटेड है. गपशप होती रहेगी, जब हम सफर पर निकलेंगे तब भी बातचीत होगी और वहां पहुंच कर भी बात होगी. साथ रहिए. रात तकरीबन एक घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग आए हैं चांदबाग बोर्डिंग स्कूल जहां पे टीम डिस्कवर पाकिस्तान आज एक शानदार मैच खेलने जा रही है. सो मैच के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स भी आपको देंगे और यकीनन आपको मैच भी दिखाएंगे. साथ रहिए. जनाब चांदबाग स्कूल वर्सेस डिस्कवर पाकिस्तान, पिच पे हम लोग आ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर टॉस भी होगा. पिच आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार पिच है, बहुत ही वेल मेंटेन पिच है और अगर ज़रा करीब से दिखाएं तो लग रहा है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा स्कोर बनने वाले हैं क्योंकि टेप बॉल जो होती है उसमें जाहिर है कि स्कोर भी बहुत बनते हैं. थोड़ा सा पैचेस ऑफ ग्रीन भी है लेकिन ओवरऑल पिच काफ़ी हार्ड नज़र आ रहा है और काफ़ी मज़ेदार मैच होने वाला है. मेरे ख्याल में जो टीम टॉस जीतेगी उसकी कोशिश होगी कि पहले बैटिंग करें. जी हाँ जी. सो अपडेट ये है कि टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने टॉस जो है वो जीत ली है और हेड्स उन्होंने जो है वो पिक किया था और हेड्स ही आ चुका है. सो पहले उनसे बात करते हैं. मुझसे भाई क्या करने जा रहे हैं? हम लोग बैट फर्स्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा टोटल बनाएं. सर अगर आप भी टॉस जीतते तो पहले बैटिंग? जी मैं भी पहले बैट ही करता, बैटिंग करते आप, लेकिन चूंकि अब शाह साहब ने जीत लिया है और टॉस जीता है तो मेरा ख्याल है कि हम उनको मौका उनको मिलना चाहिए. सो दोनों जो लीडर हैं और लीड कर रहे हैं टीम को वो काफी पैशनेट नजर आ रहे हैं. देखते हैं मुकाबला कैसा होता है. जी हाँ जी, पहली इनिंग्स इख्तिताम को गई है और जब मेरी कैप्टन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 140 रन जो है वो उनकी जान से टारगेट दिया जाएगा और लेकिन मुकर्रा 10 ओवर्स में 106 रन स्कोर किया है. सो देखते हैं कि चांदबाग की टीम अब कितना मुकाबला करती है. 107 रन इनको चाहिए होंगे ये मैच जीतने के लिए और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को डिफेंड करना होगा 106 रन. मैच बहुत ही शानदार हुआ है और मेरे ख्याल में दोनों टीमें ही फाते हैं चूंकि दोनों ने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया है लेकिन इख्तिताम पे टीम डिस्कवर ने मैच 70 रन से जीता. लेकिन मैच ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. दोनों कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है. चांदबाग की टीम ने, शम्स भाई की टीम ने, दे प्लेड रियली वेल और हमने भी अपनी एफर्ट पूरी की है. बस वी वर लक. सर बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही शानदार खेला है आपकी टीम ने भी, तो क्या कहेंगे? थोड़ी सी हार्ड लक हुई है और बस आप कह लें कि जो 16-17 रन का गैप है. नहीं, ख्याल तो नहीं रखा मेहमान समझ. नहीं नहीं, ख्याल नहीं रखा. आप लोगों की टीम बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल टीम के लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए. जी बिल्कुल ऐसी है जी. जितने भी खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है. सो हमने ये फैसला किया कि किसी सिंगल खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच ना कहा जाए बल्कि ओवरऑल सभी मैन ऑफ द मैच. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली बात तो आप लोगों का शुक्रिया
आप लोग आए, हमारे आपका स्टाफ और हमारा स्टाफ एक फ्रेंडली और खूबसूरत मैच, और दोनों टीमों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने भी इस ब्यूटीफुल कैंपस को एंजॉय किया होगा। जितनी तालीम ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये स्पोर्ट्स है। हम तो इस तरह कहते हैं कि जिस तरह फूड इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इस तरह हेल्दी माइंड के लिए इतनी ही ज़रूरी स्पोर्ट्स है। चांदबाग स्कूल इज़ ए डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट इन ए सेंस कि ये स्टडीज़ के साथ साथ जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स है और लाइफ स्किल्स हैं और इसके साथ साथ कम्युनिटी सर्विस का एक यूनिक फीचर है स्कूल का, तो वो चांदबाग स्कूल को ये फीचर्स यूनिक बनाते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान और चांदबाग स्कूल की एक पार्टनरशिप शुरू हुई है जिसमें एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के हवाले से भी हुई, और ये बहुत ही अच्छा एक मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन है, और दिस रिलेशनशिप मैं बात भी कर रहा था कि दिस रिलेशनशिप शुड गो ऑन, और हम स्पोर्ट्स में हम बाकी चीज़ों में इसको कोलैबोरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो जो पॉलिटिक्स में एक स्टेगनेंसी आ गई है उससे हट के एक पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जी हाँ जी, चांदबाग स्कूल की खूबसूरत शाम डिस्कवर पाकिस्तान की जीत के साथ खत्म हुई है। ओवरऑल 3 मैचेस खेले गए और 2-1 से ये सीरीज डिस्कवर पाकिस्तान ने अपने नाम की है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि आज खेल की जीत हुई है। चांदबाग जैसे शानदार जो है वो बच्चे और शानदार प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को, डिस्कवर पाकिस्तान भी पाकिस्तान का मस्बत चेहरा जो है वो आगे लेकर जा रहा है। और जैसे आपने सुना कि डिस्कवर पाकिस्तान और चांदबाग स्कूल मिलकर काम करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।